सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल संतु ध्रुव ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है हम लोग अंबिकापुर सिटी में, उसके बाद आज हम लोग निकल रहे हैं जसपुर की ओर। हम लोग सबसे पहले जाएंगे कैलाश गुफा। तो गाइस, मेरे चैनल पर आप लोग बने रहें क्योंकि आज हम लोग पूरा जसपुर का एरिया कवर करेंगे। तो जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दे, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोग को मिल सकेगी। तो गाइस, अभी हम चलते हैं कैलाश गुफा और आपको वहीं पर मिलते हैं। ठीक है गाइस, पहुंच चुके हैं। और आप लोगों ने देखा हम लोग किस प्रकार से उबड़ खाबड़ रास्ते से आए हैं कैलाश गुफा, और इस तरफ है कैलाश गुफा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को दिखलाते हैं हम लोग कैलाश गुफा और पूरे दर्शन कराते हैं वहाँ, और वहाँ का जो व्यू है वो भी मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ। तो गाइस चलिए चलते हैं फिर। तो ये है कैलाश गुफा जाने का रास्ता। गाइस, यहाँ पर बहुत सारे मंकी लोग हैं, तो आप अपना सामान बचा के रखें। और यहाँ पर आपको पूजा के लिए यहाँ पर नारियल और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर भी नारियल है, प्रसाद है, भगवान की पूजा के सामान हैं। और ये है पूरा व्यू कैलाश गुफा का, जो बहुत ही शानदार है। तो चलिए गाइस और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक वाटरफॉल भी है और गुफा भी है, तो देखते हैं कैसा है यहाँ का गुफा और वाटरफॉल। तो गाइस, हमें गुफा के लिए इस तरफ जाना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है बूढ़ा महादेव दर्शन, खुलने का समय सुबह 7 बजे से अब शाम को 4:30 बजे तक। गाइस, ये है यहाँ का बूढ़ा देव महादेव मंदिर।
देखिए गाइस, ये शिवलिंग बना हुआ है, प्राकृतिक रूप से शिवलिंग बना हुआ है और इसको कुछ शेप शिवलिंग का रूप दिया गया है। और इस तरफ है बहुत ही ज़बरदस्त व्यू पॉइंट, आप देख सकते हैं। गाइस, अभी हम लोग का जय बूढ़ा देव महादेव जी के दर्शन हो गया और आप लोग को भी दर्शन करा दिया मैं। अब हम लोग गाइस इस तरफ जाएंगे, इस तरफ है गुफा और गुफा का देखते हैं कि वो किस तरफ बना है, कैसा है, क्या है। तो बढ़ते हैं गाइस गुफा की ओर और यहाँ भी अच्छा खासा भीड़ है, बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु आए हुए हैं और वो गुफा के पास देखने पर पता लगेगा। यज्ञशाला कैलाश गुफा और परम पूज्य गुरुदेव स्वामी जी की तपोभूमि शिव मंदिर जाने का रास्ता। और यहाँ ये है गाइस, यहाँ पर हम लोग को अपना जूता चप्पल उतार के रखना है। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग को अपना जूता चप्पल उतार देना है और उसके बाद इस तरफ जाना है। इस तरफ है शिव मंदिर और गुफा, और ये जो रास्ता है ये वाटरफॉल के लिए जाता है, तो वो अपन बाद में जाएंगे। अभी हम लोग पहले चलते हैं शिव मंदिर और गुफा देखते हैं, उसके बाद उधर बढ़ेंगे। तो गाइस, अब हम लोग ये देखिए नज़ारा, अब हम लोग गुफा और मंदिर वाले रोड में जा रहे हैं। ये देखिए गाइस, इधर से अभी हम लोग आएंगे, थोड़ा सा फिसलन है और यहाँ पर है शेर की गुफा। और ये देखिए इस तरह बना हुआ है एक छातानुमा सज्जे की तरह गुफा। और यहाँ थोड़ा लिखा है यहाँ पर संभल के चले। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या है देखते हैं। तो गाइस, हम लोग कैलाश गुफा के मंदिर के अंदर आ चुके हैं। देखिए गाइस, अंदर में इस तरह पूरा एक प्रकार की गुफा ही है, ये पूरे चट्टानों से ही बना हुआ है। ये देखिए, चलिए आपको बाहर से शिवलिंग जी के दर्शन करा देते हैं।
क्योंकि कैमरा पूरा अंदर नहीं ले जाना बोले थे हम लोग को गर्भगृह में, तो उसका एक दर्शन करने का बाहर से है। तो गाइस अब हम लोग के यहाँ कैलाश गुफा का दर्शन, भगवान के दर्शन हो गए हैं। अब हम लोग चलते हैं वाटरफॉल की ओर जो इस तरफ है, तो चलिए गाइस। तो गाइस वाटरफॉल का नाम है अलकनंदा जलप्रपात, तो चलिए आपको वो भी दिखलाते हैं। और रास्ता तो बहुत ही एडवेंचरस है उसका भी। ये देखिए इस प्रकार की सीढ़ी बनी हुई है और यहाँ पर लगभग, तो गाइस देखिए वाटरफॉल जाने के लिए तीन रास्ता है। अगर आपको उसके एकदम नीचे में जाना है तो आप इस रास्ते से जाएंगे, और अगर आपको थोड़ा उसके ऊपर टॉप में जाना है तो आप थोड़ा ऊपर से देखना चाहते हैं तो आपको इधर जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग ऊपर चलते हैं, नीचे तो एकदम नहीं जाएंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं वाटरफॉल की ओर। तो देखिए गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अलकनंदा वाटरफॉल में। देखिए यहाँ थोड़ा अभी पानी कम है, बरसात के दिनों में ज़्यादा रहता होगा, और यही पानी नीचे जाके एक और छोटा सा वाटरफॉल बनाता है जो सीढ़ी जाती है। आप देख सकते हो इस वाटरफॉल को, और इधर से एक और छोटा सा ही वाटरफॉल आ रहा है, उसी का एक हिस्सा है जो दो भागों में ऊपर से बट जाता है। तो गाइस हम लोगों ने पूरा कैलाश गुफा भी देख लिया और वाटरफॉल भी देख लिया। तो दोस्तों आपको मेरा ये कैलाश गुफा वाला वीडियो कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब भी कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दे जिससे मेरे आने वाले वीडियो की अपडेट आप लोग को मिल सकेगी। तो दोस्तों तब तक के लिए मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।